अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम मद को पढ़ेंगे। मद को हम अलिफ के ऊपर लगाते हैं तो अलिफ मद्दा बनता है। क्या बनता है? आज मैं आपको बताऊंगी कि अलिफ और अलिफ मद्दा में क्या फर्क होता है। अलिफ की आवाज कुछ इस तरह से होती है, अलिफ आ, अलिफ ठीक है, कैसे होती है? अलिफ आ। मसलन हम कहते हैं अलिफ अनार, अलिफ अनार, अलिफ अंगूर, अलिफ अंगूर, अलिफ इमली, अलिफ इमली, ठीक है। इस तरह से हम अलिफ को अ, ई और उ की तरह पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम अलिफ की आवाज को थोड़ा लंबा करना चाहते हैं तो हम अलिफ के ऊपर डालते हैं मद्दा। क्या डालते हैं? हम अलिफ के ऊपर मद डालते हैं, यानी अलिफ मद आ, ठीक है। जब किसी लफ्ज को लंबा करके पढ़ना चाहते हैं तो हम उसके ऊपर मद लगाते हैं, अलिफ मद आ। आज हम अलिफ मद आ के साथ मुख्तलिफ अल्फाज को जोड़कर पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से अलिफ मद आ के साथ मुख्तलिफ अल्फाज बनते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अलिफ मद आ, काफ आग, अलिफ मद आ, बे आब, अलिफ मद आ, नून आन, अलिफ मद आ, जीम आज, अलिफ मद आ, नून अलिफ ना मद आ, रे छोटी री, आरी, अलिफ मद आ, रे वाओ, आड़ू, अलिफ मद आ, ते छोटी एती, आती, अलिफ मद आ, रे पहचान और उसका इस्तेमाल सीखा है। आज हमने ये सीखा है कि जब अलिफ को हम अकेला इस्तेमाल करते हैं तो अलिफ की आवाज़ आती है अलिफ अ, लेकिन जब हम उसके ऊपर मद लगा लेते हैं तो उसकी आवाज़ लंबी हो जाती है। क्या हो जाती है? जैसे आग, आब, आन, आज, आना, आरी, आड़ू, आती, आराम, आगे, ठीक है। अब आप सबने इन तमाम वर्ड्स को अपनी कॉपी पर नोट करना है और इसके अलावा भी आपने अलिफ मद्दा से 5 वर्ड्स लिखकर लाने हैं, ठीक है। कितने लिखकर लाने हैं? 5।